ये वीडियो झूठ है, केवल मजाक के लिए बनाया है। हम किसी फिल्म, न्यूज चैनल, राजनीतिक दल, व्यक्ति या भाई की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि भाई की फिल्मों के हम भी दीवाने हैं। रेस 3 देखना जानलेवा हो सकता है, खुद के पैसों से। गुलाब भाई। रेस 3 देखने से पहले थिएटर के अंदर ये क्या चालू है रे बाबा? अरे क्या तमाशा चालू है ये? सिर्फ बाल घिस रहा, इंटरवल भी आ गया। और इंटरवल इज और इंटरवल, नन ऑफ योर इंटरवल। अरे हका लो रे इसको। क्या फट गया रे बाबा? अरे सोने को दो चैन से। अबे मार मत, जेल होगी। आओ बेटा, आओ मेरे पास आओ। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। ब्रेकिंग न्यूज, गुलाब भाई नाम के शख्स पर हुआ जानलेवा हमला। रेस 3 के टिकट के पैसे वापस मांगने से हुआ विवाद। 300 रुपए के लिए जानलेवा हमला। देखिए पूरी खबर सिर्फ बीसीबी न्यूज पर। गुलाब भाई और आमदार राहुल पूरी तरह से घायल, दोनों की हालत गंभीर। सरकार ने किया इस हमले का निषेध। गुलाब भाई पे जो हमला हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम इस हमले का निषेध करते हैं। गुलाब भाई जल्द से जल्द ठीक हो। आप सुनिए गुलाब भाई के करीबी दोस्त का बयान। क्यों मारा गुलाब भाई को, क्या जरूरत थी मारने की? अब ऐसी घटिया पिक्चर बनाओगे तो लोग तो पैसे वापस मांगेंगे ही ना। क्यों मारा, क्यों गुलाब भाई को, क्या जरूरत थी? दे देना तो उसको पैसे वापस। 300 रुपए की तो बात थी, उसके लिए हमला क्यों किया? गुलाब भाई का बदला होगा, सबका बदला लेंगे हम। मारना ही था तो उस सनी रबड़े को मारना था, उसको क्यों नहीं मारा? कई लोगों के आंखों में आए आंसू। अब सुनिए विरोधी पक्ष का बयान। गुलाब भाई पे हुए हमले में बीजेपी का हाथ है 100%। क्रिएटेड बाय सनी रबड़े। इस वीडियो के सारे आवाज सनी रबड़े ने दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रेस 3 के बारे में बड़ा खुलासा। रेस 3 बनाने वाला कौन था मैं आपको बता दूं? रेस 3 फिल्म बनाने वाला व्यक्ति पहले एक मिस्त्री था। अरे वो बाबा सुन रहे थे नशा तेरा नशीला नशीला। पुकट में वीडियो देख लिया, अब सनी रबड़े के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करना। अच्छा है।